एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो स्क्रूटनी और रिवेल्युएशन का जो फॉर्म आने वाला था, फाइनली आप लोगों का फॉर्म आ चुका है। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। लिंक मैं डायरेक्ट आप लोगों का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जंप करके जा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। उस लिंक से मैं आप लोगों को फॉर्म भरकर लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए उस फॉर्म पर चलते हैं हम लोग। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे कॉलेज ग्रुप में एक लिंक आया है। मेरे कॉलेज से एक मिनट दिखा देते हैं। मेरे कॉलेज से एक लिंक आया है, कॉलेज ग्रुप में मेरे लिंक आया है, जिससे इस लिंक को मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ। जैसे इस लिंक पर टाइप करेंगे, कुछ देखिए यहाँ पर क्रोम से ओपन होगा। क्रोम के लिए ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, वह जैसे कुछ लोडिंग हुआ। डाटा सर्वर इसमें अच्छा चला, इसलिए आया। देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्कूटनी रिवेल्युएशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कूटनी और रिवेल्युएशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आप लोगों को भरना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, अपना इनरोलमेंट नंबर भर दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा। यहाँ पर फिल फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, मैं अपना डेटा भर लेता हूँ, पूरा डिटेल बाय डिटेल। ठीक है, चलिए भरते हैं। तो फाइनली मैं अपना डेटा जो भी भरना था, मैं इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ को भर चुका हूँ। मैं हाइड किया हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अपना भर के उसके बाद क्या कीजिएगा, इस फिल फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को देखिए यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ आप लोगों का नाम दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोल नंबर आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर ब्रांच कोड दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पर ब्रांच कोड है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ब्रांच है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी है प्रोडक्शन आप लोगों का जो भी होगा दिखा देगा। यहाँ पर स्टूडेंट नेम दिखा रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम दिखाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। यहाँ फादर नेम दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर फादर नेम दिखाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग सब देख मिला लीजिएगा कि सही है कि नहीं, इसको मैच करा लीजिए। यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम आपके कॉलेज का नाम दिखाई देगा, कॉलेज का नाम यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम दिखा दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पेपर कोड, यहाँ पर पेपर में जिस भी आप लोगों को सब्जेक्ट में लगा है बैक, इसमें बैक में देख सकते हैं आप लोग, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को बैक लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं स्कूटनी है, स्कूटनी का यहाँ पेपर का जो 60 रुपये है, यहाँ पर रिवेल्युएशन का 500 रुपये है। ठीक है, रिवेल्युएशन का यहाँ पर 500 रुपये है और स्कूटनी का 60 रुपये है। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट में लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकेंड, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग लगा है पेपर कोड भी यहाँ पर दिखा रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जिनका है ये, उनका लगा है किसमें, अभी मैं देख लेता, हाँ, इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स में लगा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले नंबर में, इस कॉलम में जो है स्कूटनी है, जिसका फॉर्म का 60 रुपये लगेगा। और यहाँ पर रिवेल्युएशन है, सेकंड में रिवेल्युएशन है, जिसे रीचेक बोलते हैं, इसका 500 रुपये लगेगा। ठीक है, वह सिंपल यहाँ पर आएंगे, जैसे में आप लोगों का लगा है मैथ सेकंड में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करके देखिएगा, इसमें रिवेल्युएशन इनको कराना है, तो रिवेल्युएशन कराना है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मैथ सेकेंड है, इसमें करेंगे तो आप लोग वो आएगा स्कूटनी का, इसमें करेंगे तो रिवेल्युएशन का। सिंपली मैं इसमें कर देता हूँ, इसमें रिवेल्युएशन का, देखिए फिर ऐसे जैसे क्लिक करेंगे, फिर इस तरह खुलेंगे, फिर ऐसे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैथ सेकंड पर टिक लग गया है, अप्लाइड मैथ सेकंड में टिक लग गया है, सेकंड सेमेस्टर का है। और किस में लगा, एक मिनट देख सकते, और अप्लाइड मैथ सेकंड हो गया, और किसी में मान लीजिए बाय द वे एक ही में लगा होगा आप लोगों का, देख सकते हो, सकता है फिजिक्स में लगाओ तो फिजिक्स वाले यहाँ पर देखिए फिजिक्स सेकंड है, केमिस्ट्री में लगाओ फर्स्ट सेमेस्टर में, या कम्युनिकेशन स्किल जो भी हो आप लोगों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगा हो, यहाँ पर फिजिक्स है। मैं इस पर फिजिक्स मान लीजिए बाय द वे लोग फिजिक्स में लगा, फिजिक्स वाले स्कूल यहाँ पर रिवेल्युएशन पर क्लिक करते हैं, फिर ये थोड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का डेटा ऊपर दिखा देगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग किस पर रिवेल्युएशन स्कूटनी पर करना चाहते हैं, स्कूटनी में केवल नंबर काउंट होगा और रिवेल्युएशन में आप लोगों को कापी फिर से चेक होगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस पर करेंगे तो आप लोगों का देखिए, इस पर करेंगे तो आप लोगों का स्कूटनी, इस पर केवल नंबर काउंटिंग होगा, इस पर करेंगे तो कापी को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो मैं रिवेल्युएशन पर मान लीजिए क्लिक किया हूँ, आप लोग स्कूटनी पर रहेगा तो स्कूटनी, नंबर काउंट कराना है तो नंबर काउंट करा लीजिएगा। तो रिवेल्युएशन पर देखिए फिजिक्स पर हो गया, फिजिक्स सेकंड, और किस पर भी करना चाहते हैं आप लोग, किसी में बैक लगाया तो देख सकते हैं वो अप्लाइड मैथ सेकंड, अप्लाइड मैथ सेकंड में, मैथ सेकंड में किया हूँ, दो सब्जेक्ट में है रिवेल्युएशन। ठीक है, उसके बाद क्या करें, सिंपली यहाँ पर देख लीजिए स्कूटनी फी 0 रुपये दिया, लेकिन वो लेंगे पैसा, यहाँ पर दिया नहीं, अपडेट हुआ जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद देखिए जब ऐसे ही डेटा भरेंगे, आपको सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा भाई, कोई गलत सब्जेक्ट आप लोगों का नहीं हुआ है, मैथ सेकंड, फिजिक्स सेकंड, आप लोग कोई सब्जेक्ट 2 बार 3 बार देख लीजिए गलत पर नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप लोग फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेव एज कंटिन्यू, सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर लिख रहा है कार आर सबमिट, सबमिटेड हो गया है आपका फॉर्म जो सबमिटेड, प्लीज़ नोट्स योर एक मिनट क्या है ये हटा देना है, हाँ, रिसिप्ट नंबर, ये रिसीविंग नंबर है जो जून वाला, रिसीविंग नंबर को सिंपली क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ऐसे इसकी शॉट ले लीजिएगा, ये आप लोग का सबमिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्म खुल के रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ फॉर्म देखिए, एक मिनट, फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का नाम है, रिसीविंग नंबर है, यहाँ पर रिसीविंग नंबर है, यहाँ रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, ब्रांच जो भी आप लोगों का है, नेम, फादर नेम, उसके बाद क्या है, फादर नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर नेम, जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को बैक लगा उसका पेपर नेम है। ठीक है, तो उसके बाद ये पेपर नेम देखिए, मैं किया फिजिक्स में किया था, पेपर में मैं फिजिक्स में किया था और मैथ में किया था, फिजिक्स सेकंड और मैथ सेकंड। यहाँ पर अप्लाइड मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि आप लोग रिवेल्युएशन किए हैं या स्कूटनी किया है, जो भी, तो मैं रिवेल्युएशन किया हूँ, इतने रिवेल्युएशन का यहाँ पर दिखा रहा है, आप लोग स्कूटनी किए होंगे तो यहाँ पर स्कूटनी दिखाएगा, यहाँ पर यही सब बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं,
यहाँ पर पेपर कोड दिखा रहा है, यहाँ पर पेपर कोड है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पेपर कोड है, ठीक है, दो सब्जेक्ट का है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, स्कूटनी अमाउंट, देखिए खा रहा है स्कूटनी अमाउंट फीस, तो ये देखिए स्कूटनी अमाउंट फीस जो है, ठीक है, यहाँ पर रिवेल्यूएशन अमाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं दो सब्जेक्ट का है ना, दो सब्जेक्ट का है, तो एक सब्जेक्ट का 500 तो दो सब्जेक्ट का 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर टोटल दिखा रहा है, टोटल फी अमाउंट, टोटल फी अमाउंट का 1 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये इसका हो गया, दो सब्जेक्ट है तो 1000 रुपये, एक सब्जेक्ट है तो 500, तीन सब्जेक्ट है तो 1500 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग प्रिंट कर लिए, यहाँ पर देखिए सब कुछ डेट वोट दिखा रहा है, यहाँ पर डेट देख सकते हैं 26/9/2022, ठीक है, इसके प्रिंट कर लीजिएगा। सिंपली इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर PDF बना लीजिएगा, देखिए मैं PDF सेव कर लिया, ठीक है, PDF आप लोग ऐसे ही सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है फाइनली हो चुका है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट देखिए भाई, पेमेंट आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है, पेमेंट 24 घंटे बाद होगा, एक दिन बाद होगा, 24 घंटे बाद पेमेंट होगा, पेमेंट के जस्ट 24 दिन 24 घंटे बाद आप लोगों का रिसीविंग निकलेगा, ठीक है। उसका मेन हार्ड कॉपी निकलेगा 24 घंटे बाद, यानी आज आप लोगों का फॉर्म भरेंगे, कल आप लोगों का पेमेंट होगा, पेमेंट के जैसे होगा मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगा पेमेंट वाला, पेमेंट कैसे होगा, उस क्या करना है उसमें, सब कुछ बारीकी से बताएंगे पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पेमेंट वाला ऑप्शन कल आप लोगों का ओपन होगा, आज केवल रजिस्ट्रेशन भर, तो कल पेमेंट वाला ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद फिर उसके 24 घंटे बाद आप लोगों का हार्ड कॉपी आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पर पेमेंट वाले, कल मैं पेमेंट के बारे में बताऊंगा, जैसे ही पेमेंट का लिंक ओपन होगा, पेमेंट बारीकी से पेमेंट कैसे करना है, किस तरह से करना है, मैं पेमेंट के बारे में बताऊंगा कि इस लिंक की फॉर्म वाली लिंक की, तो फॉर्म को मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन होने के बाद आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर लिंक अवेलेबल रहेगा, लिंक को आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट, जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग फॉर्म पर आ जाएंगे, उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया आप लोग जान ही रहेंगे, तो उसके बाद अपना फॉर्म भर लीजिएगा, और जैसे ही पेमेंट वाला लिंक खुलेगा वहाँ पर लिंक को वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर लिंक पे जाकर अपना पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।